नमस्कार दोस्तों, करियर डेस्ट एकेडमी के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, जिसमें हम देखेंगे एमपी डेली डेस्ट सीरीज का वीडियो क्रमांक 21। हम इस वीडियो सीरीज में एमपी करंट अफेयर्स और एमपी जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शामिल करते हैं जो मध्य प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। यह वीडियो प्रतिदिन रात में 10:30 बजे अपलोड होता है। इसके MCQ प्रैक्टिस आप हमारी करियर डेस्ट एकेडमी वेबसाइट पर कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। साथ ही आप इसके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप दी हुई पेज लिंक पर क्लिक करेंगे 1, 2, 3 प्रश्नावली के अनुसार जो भी आप, तो इस प्रकार से आप ये प्रैक्टिस कर पाएंगे। और साथ ही ऊपर जो भी यहां से PDF डाउनलोड लिंक भी दी हुई है, और डायरेक्ट हमारी PDF download.careerdeskacademy.com पर भी जाकर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में देश की पहली साइबर ट्रेजरी का आरंभ कब हुआ? मध्य प्रदेश में देश की पहली साइबर ट्रेजरी का प्रारंभ वर्ष 2006 में हुआ। ये इसका बी आंसर इसका सही होगा। ये मध्य प्रदेश में देश की पहली साइबर ट्रेजरी का प्रारंभ हुआ था हमारे मध्य प्रदेश में, वो भी 2006 में। देश का पहला राष्ट्रीय युवा महोत्सव मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कब मनाया गया? देश का पहला राष्ट्रीय युवा महोत्सव ये वर्ष 1996 में मनाया गया था। राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो भी देश का पहला राष्ट्रीय युवा महोत्सव था। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक केला किस जिले में उत्पादित होता है? ये फेमस क्वेश्चन है। बुरहानपुर में सर्वाधिक केला का उत्पादन होता है बुरहानपुर में। मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थापित विद्युत मंडल देश का कौन सा विद्युत मंडल है? मतलब ये मध्य प्रदेश में जो स्थापित हुआ था जबलपुर में, यह वह है पहला विद्युत मंडल है जो जबलपुर में स्थापित हुआ था, वो भी ये देश का। मध्य प्रदेश में देश का पहला सोलर पार्क किस जिले में स्थापित है? मध्य प्रदेश का देश का पहला सोलर पार्क ये आपका राजगढ़ जिले में स्थित है। इसका बी आंसर आपका सही है। मध्य प्रदेश का सोमनाथ किस स्थान को कहा जाता है? मध्य प्रदेश का सोमनाथ किस स्थान को कहा जाता है? भोजपुर स्थान को मध्य प्रदेश का सोमनाथ कहा जाता है। वहीं भोजनगरी धार को कहा जाता है, और महलों की नगरी मांडो को कहा जाता है। ये पुराने महल बने हुए हैं यहाँ पे, ये पर्यटन स्थल है। कपड़ों का शहर इंदौर को कहा जाता है। मिनी बॉम्बे इंदौर को कहा जाता है। मल्हार नगरी इंदौर को कहा जाता है। वहीं मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड सागर को कहा जाता है। मध्य प्रदेश का सांस्कृतिक केंद्र जो भारत भवन भोपाल में बना हुआ है, सुनहरे जिले खंडवा और खरगोन को कहा जाता है। दोनों मिलाकर सुनहरे जिले कहा जाता है। शिल्प कला का तीर्थ खजुराहो को कहा जाता है। मध्य प्रदेश का लखनऊ सिवनी को कहा जाता है। निजामत ए मशरक किस शहर का पुराना नाम है? निजामत ए मशरक ये सीहोर का पुराना नाम है। इसका सी आंसर सही हो जाएगा। वहीं सादियाबाद ये पुराना नाम है मांडू का। ये मांडू नया नाम है, सादियाबाद पुराना है। उसी प्रकार दसपुर पुराना नाम है, मंदसौर नया। भेलसा वैशनगर विदिशा का पुराना नाम है। गोपांचल ये ग्वालियर का पुराना नाम है। त्रिपुरी ये तेवर जो जबलपुर यहाँ पे 1939 में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। श्रीपुरी सिरपुर ये पुराना नाम है श्रीपुरी। दिलीप नगर ये दतिया का पुराना नाम है। वहीं नलपुर नरवर का पुराना नाम है। पांचागढ़ ये पचवड़ी का पुराना नाम है। पचवड़ी नया नाम है। गौड़वाना ये मंडला का पुराना नाम है। मंडला नया नाम है। मध्य प्रदेश में बांस दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में बांस दिवस ये प्रत्येक दिवस मनाया जाता है 3 जुलाई को। बेटी बचाओ दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। महिला सशक्तिकरण दिवस 18 जून को मनाया जाता है। और जनसंख्या नियंत्रण दिवस ये 11 मई को मनाया जाता है। दोस्तों ये हमारे प्रदेश की बात हो रही है। और नगरीय निकाय दिवस 2 नवंबर को मनाया जाता है। दोस्तों ये जनसंख्या नियंत्रण नंबर स्टार लगा लेना, ये अपने प्रदेश की बात हो रही है, या फिर वैसे ये जुलाई में मनाया जाता है और ये 11 जुलाई को मनाया जाता है, तो ये सेम है कि ये हमको देखना पड़ेगा दोस्तों। वैसे जहाँ तक मुझे
ये जो फैक्ट मिले हैं वो 11 मई को हमारे प्रदेश का जनसंख्या नियंत्रण दिवस मनाया जाता है और 11 जुलाई को अलग मनाया जाता है। वो मध्य प्रदेश की प्रथम झींगा हैचरी किस जिले में स्थापित की गई है? मध्य प्रदेश की प्रथम झींगा हैचरी ये बालाघाट जिले में स्थापित की गई है। 1857 के विद्रोह में इंदौर की विद्रोही सेना का नेतृत्व सआदत खान ने किया था। यह सेना ग्वालियर कब पहुंची थी? हमारे देश को आज़ाद कराने में कई मुस्लिमों का हाथ है दोस्तों, और 11 जुलाई 1857 को ये ग्वालियर की सेना पहुंची थी जिसका नेतृत्व सआदत खान ने किया था। ये अलग अलग विद्रोह हुए थे जिसमें अलग अलग लोगों ने विद्रोह किया था 1857 में। और अगला जो क्वेश्चन है हम वह देखते हैं, कुंवर चैन सिंह अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए कहाँ के मैदान में शहीद हो गए थे? यहीं पर उनकी छतरी स्मारक के रूप में निर्मित की गई है। ये कुंवर चैन सिंह है जो सीहोर के दशहरा बाग के मैदान में शहीद हो गए थे, वहीं पर इनकी छतरी बनाई गई है। स्वतंत्रता के प्रथम शहीद माने जाने वाले कुंवर चैन सिंह मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ के राजकुमार थे जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर वीरता की नई इबारत लिखी। 1824 में ये जून है, ये लगभग 24 जून की बात है, और कुंवर चैन सिंह अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए सीहोर के दशहरा बाग के मैदान में शहीद हो गए थे, यहीं पर इनकी छतरी स्मारक के रूप में भी निर्मित की गई थी। 1824 के संग्राम में कुंवर चैन सिंह की ढाल बनकर लड़ने वाले दो अंगरक्षक सूरमा कौन थे? ये सूरमा ये थे हिम्मत खां और बहादुर खां, इसका बी आंसर सही हो जाएगा। 1854 के संग्राम में कुंवर चैन सिंह की ढाल बनकर लड़ने वाले दो अंगरक्षक सूरमा मुस्लिम थे जिनके नाम हिम्मत खां और बहादुर खां थे। इनकी भी कब्र सीहोर के दशहरा बाग में स्थित है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की मध्य प्रदेश शुरुआत ग्वालियर के रियासत से कहाँ से हुई थी? ये 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के मध्य प्रदेश की शुरुआत ये दतिया से हुई थी, सॉरी दोस्तों ये विदिशा से हुई थी, ये इसमें से रॉन्ग आंसर हो गया है, ये विदिशा सही इसका आंसर है, तो ये क्षमा करें विदिशा ध्यान रखें। जो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की मध्य प्रदेश शुरुआत हुई थी वो ग्वालियर रियासत के विदिशा से प्रारंभ हुई थी, इसमें मिस्टेक हुई है। तो मध्य प्रदेश के राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन की स्थापना कब की गई थी? मध्य प्रदेश में राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन की जो स्थापना की गई थी वो 4 जनवरी 1994 को की गई थी। मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा मंडल भोपाल में स्थित है। बकाटक वंश का संस्थापक बिंद शक्ति प्रथम कहाँ का शासक था? जो बकाटक वंश का संस्थापक था बिंद शक्ति वह विदिशा का शासक था। बकाटक राजवंश का प्रथम शासक बिंद शक्ति प्रथम का शासनकाल 250 ईस्वी से 270 ईस्वी के बीच रहा था। पृथ्वीराज चौहान ने चंदेल शासक परमादृदेव को कब पराजित किया था? ये परमादेव को कब पराजित किया था? ये किया था 1182 ईस्वी में, 1182 ईस्वी में चंदेल शासक को जो परमादित्य थे इस प्रकार से परमादृदेव ये नाम था उनका को पराजित किया था 1182 ईस्वी में। लाल पीली मिट्टी किस फसल के लिए आदर्श होती है? लाल पीली मिट्टी जो फसल के लिए आदर्श होती है वो धान के लिए होती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है, ह्यूमस की कमी होती है। मध्य प्रदेश की संपूर्ण पूर्वी भाग बघेलखंड के क्षेत्र में स्थित है, यहाँ पर लाल तथा पीली मिट्टी पाई जाती है। इसके अंतर्गत मंडला बालाघाट और शहडोल जिले आते हैं। मध्य प्रदेश के चंबल और नर्मदा घाटी में मिट्टी अपरदन के क्या कारण है? मध्य प्रदेश के चंबल और नर्मदा घाटी में मिट्टी अपरदन के जो कारण है वो अवनालका अपरदन है, इसलिए ये मुरैना जिला सर्वाधिक प्रभावित है इस अपरदन से। जलोढ़ मिट्टी में किस तत्व की अधिकता होती है? यदि आपको बताना है कि जलोढ़ मिट्टी में ये पोटाश की अधिकता होती है, इसका बी आंसर आपका सही हो जाएगा। और जलोढ़ मिट्टी मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में पाई जाती है। यह मिट्टी मध्य प्रदेश के भिंड मुरैना शिवपुरी तथा ग्वालियर जिलों में पाई जाती है। राजा
राजा छत्रसाल ने बुंदेलखंड राज पर आधिपत्य कब स्थापित किया था? राजा छत्रसाल ने बुंदेलखंड राज पर जो आधिपत्य किया था वो 1671 ईस्वी में किया था। राजा छत्रसाल मुगल शासक औरंगजेब के समकालीन थे। इनका जन्म 1649 ईस्वी में चंपत राय व लाल कुंवर के यहाँ कछार कचनाई में हुआ था। थाबर परियोजना किस जिले में नैनपुर तहसील के जुलूपुर के पास स्थित है? नैनपुर तहसील के जुलूपुर के पास स्थित है मंडला। ये इस परियोजना में गोदावरी द्रोणी की बैनगंगा नदी की सहायक नदी है जो थाबर, उस पर एक बांध बनाया गया है, वही कहलाती है थाबर परियोजना। किस जिले की चिड़ीखो नामक स्थान को मालवा का कश्मीर कहा जाता है? किस जिले का जो चिड़ीखो नामक स्थान है ये, इसको राजगढ़ है, और ये राजगढ़ ब्यावरा में है, वो भी चिड़ीखो नामक है। इसे मालवा का कश्मीर पुकारा जाता है। और यहाँ पे जो राजगढ़ में गिन्नौरगढ़ का किला है, ये तोतों के लिए प्रसिद्ध है। नरसिंहगढ़ वन्य जीव अभयारण्य आपका राजगढ़ में स्थित है। वहीं काली सिंध, अजनार, गढ़गंगा इत्यादि नदियाँ यहीं से ये प्रवाहित होती हैं, प्रभावित नहीं प्रवाहित होती हैं। निम्न में से कौन से संगीतकार लिखना था, ग्वालियर में जन्म हुआ, जिन्होंने संगीत पर प्रसिद्ध 7 पुस्तकें लिखी और सरोद वादक के लिए प्रसिद्ध हैं, तो ये लिखा, ये संगीतकार हैं और इनका जन्म ग्वालियर में हुआ और इन्होंने प्रसिद्ध 7 पुस्तक लिखी, और ये हैं राजा भैया पूंछ वाले। ध्यान दें, राजा भैया पूंछ वाले का जन्म 12 अगस्त 1882 को मध्य भारत के ग्वालियर राज्य में हुआ था। इनका जन्म का नाम राव राधा लकिशन था, राधल किशन आनंद था, नाम बड़ा था। ये सरोद वादक के लिए प्रसिद्ध है। इनका जन्म 12 अगस्त 1882, निधन 1956 को हुआ था। बैगा आदिवासी कर्मा को क्या कहते हैं, जो कर्मा इनका नृत्य है उनको, जो बैगा आदिवासी है उसे क्या कहते हैं? ये बेगानी कर्मा कहते हैं भाइयों, बेगानी कर्मा। कर्मा नृत्य, इससे पुरुष और स्त्री दोनों ही भाग लेते हैं। कर्मा खरी, कर्मा खाए, कर्मा झुलनी, कर्मा लहंगी, ताल लय के अंतर में ये 4 प्रकार के होते हैं। कर्मा लहंगी, ताल और लय, 1 2 3 और ये कर्मा लहंगी ये पूरी की पूरी है, ये लय, इसमें 4 प्रकार के होते हैं। निम्न में धातु शिल्प कला मुख्यतः कहाँ प्रसिद्ध है? निम्न में धातु शिल्प कला ये प्रसिद्ध है आपकी सतना में। ये मध्य प्रदेश के विभिन्न अंचलों में धातु शिल्प की सुदीर्घ परंपरा है। मध्य प्रदेश के अधिकांश आदिवासी धातु की ढलाई का काम करते हैं। टीकमगढ़ की धातु कला की तकनीक में स्वर्णकार विशेष स्थान रखता है, और बैतूल के भरेवा कलाकारों ने आज तक की अपनी परंपरा को अछूट रखा है। मध्य प्रदेश में सतना जिले के उचेहरा कस्बा में कांसे की प्रसिद्ध बटलोही नामक पात्र बनाए जाते हैं, इसलिए धातु शिल्प कला मुख्यतः सतना में प्रसिद्ध है दोस्तों। और ये धातु शिल्प कला से संबंधित इंपोर्टेंट ये सारे के सारे फैक्ट हैं। बात करेंगे दोस्तों आपसे, फेमस क्वेश्चन पूछा था, मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा था कि उन्नाव बालाजी सूर मंदिर किस जिले में स्थित है। आपके द्वारा कमेंट किया गया और सही कमेंट किए गए, जितने भी कमेंट किए, ये दतिया में है उन्नाव बालाजी सूर मंदिर, और उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है ये। उन्नाव गांव पड़ता है, ग्राम पंचायत है वैसे अभी, और ये उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे और दतिया से 17 किलोमीटर की दूरी पर है। उन्नाव के बालाजी सूर मंदिर स्थित है, जो प्रागैतिहासिक काल के लिए माना जाता है। ये प्रागैतिहासिक काल इम्पोर्टेंट बात हो जाती है, ये ध्यान रखें, प्रागैतिहासिक काल के लिए माना जाता है। मान्यता है कि किसी भी प्रकार के चर्म रोग से पीड़ित व्यक्ति ये यदि पहुंच नदी में, वहां पे पहुंच नदी निकलती है, ये ध्यान रखें, ये पहुंच नदी के किनारे, पहुंच नदी के किनारे उन्नाव बालाजी हैं स्थान है, और यहीं पर स्नान करने के बाद मंदिर में सूर्यदेव की प्रतिमा पर जल चढ़ाता है तो उसे रोगों से मुक्ति मिल जाती है दोस्तों, ये बात सिद्ध है। कई बार मध्य प्रदेश में, आज का जो टुडे क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में अब्दुल्ला शाह चंगल का मकबरा कहाँ स्थित है? खरगोन, धार, बुरहानपुर, चंदेरी में से एक आंसर इसका सही है।
जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों। और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक जरूर किया करें दोस्तों। उसके MCQ प्रैक्टिस करिए dashacademy.com पर अपलोड हो जाएंगे और इसकी PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है दोस्तों। हमारा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।